फिर थोड़ा सा सब मार्केटिंग के लिए, पत्नी शॉपिंग के लिए चली गई। तो बाहर वाले लोग तो यहाँ से भरभर झोली गाड़ी लेके जाएंगे, 11 की गाड़ी बहुत कम दाम में, 2 लाख रुपए में। मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूँ। तो आप आश्चर्य करोगे बॉस, मतलब जो है राजीव की गाड़ी रमेश को दे, लेदर अपोल्स्ट्री वगैरह सब लेके, अगर 3.5 लाख रुपए में मिलती है तो पानी के दाम में गाड़ी क्या इतना चाहिए भैया, फटाफट दो नक्की करो ना, जगह खाली करो, दूसरे को आने दो, एक जगह खाली करो, दूसरा गाड़ी आएगी। 9 की गाड़ी मिल जाएगी 75,000 रुपए में, 75 को 70 में भी मिल जाएगी, 11.5 लाख रुपए, 11.50, 11.5 में फॉर्च्यूनर। आप वेलकम गाइज, हेलो, कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। और फिर से एक बार आप देख सकते हो बगल में मेरे कौन है, मिस्टर पवन जी, पवन सर, पवन अंकल जी है हमारे साथ फिर से रिची मोटर से, और आप लोग के बहुत ही चहेते हैं, प्यारे हैं। पवन सर आप क्या बोलिए हमारे ऑडियंस को? कुछ नहीं, यही है कि अभी इन दिनों जो एक वेव चला है ना कि लोगों को गाड़ियाँ लाख लाख रुपये के अंदर, लाख दो लाख के अंदर की गाड़ियाँ अच्छी उनको मिलनी चाहिए, सब लेने के लिए तैयार है। एक्चुअली क्या कलकत्ता जैसा शहर में गाड़ियाँ कम चलने से अच्छे लोगों को गाड़ियाँ मिल जाती है। मैं ज़्यादा कुछ अभी बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूसरे काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन बस इतना ही बता दूंगा, जो पुरानी बातें थी वही बातों को दोबारा एक दोहरा के मतलब जो है बताना पुराना सा लगता है, लेकिन एक होता है ना कि मेरी गाड़ी वाला जो कंसेप्ट है ना उसको ज़रा अपनाइए कि एक मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी, एक जैसे मेरा बच्चा तो मेरी गाड़ी भी होनी चाहिए। तो मेरी गाड़ी वाला कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि गाड़ियां आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी आपके लिए, आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आपको एक गाड़ी, आप उठे गाड़ी में बैठे मॉर्निंग वॉक कर लिए, बाजार से कोई सब्ज़ी लाना तो गाड़ी में कर लिए। और आजकल गाड़ियाँ कोई महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि गाड़ियों का मेंटेनेंस भी आजकल जीरो है, क्योंकि ये जो हाईटेक गाड़ियाँ जो अपने को बाहर से आती है, हुंडई की बोलिए, सुजुकी की बोलिए, जिस किसी की बोलिए, इसमें मेंटेनेंस बहुत जीरो है। लोगों को एक धोखा है, एक मन का बहम है कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता, नहीं खर्चा नहीं लगता है, खर्चा छोटा मोटा खर्चा अगर मतलब इनमें ये वादा कर सकता हूँ कि जो भी गाड़ियाँ है 99.9% इनका इंजन गियर बॉक्स जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं खुलेगा। इसके अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, छोटे मोटे कोई बल्ब फ्यूज हो गए, कोई कुछ पकड़ गया, वो अपने अपने चलाने पे डिपेंड करता है। अब ये देख लीजिए i20 है, ये मतलब जो स्पोर्ट्स मॉडल है, 2010 की गाड़ी है, मात्र 1,85,000। 185 में 2010 का i20 स्पोर्ट्स अगर मिलता है 1,85,000 में तो क्या बुरा है, अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। ये अपने मतलब जो लाइफ टैक्स पेड एक स्विफ्ट डीजल है, अच्छा माइलेज देती है, 20-22 का माइलेज देती है। 1,25,000 रुपये में अगर स्विफ्ट डीजल मिलती है, वो भी फर्स्ट ओनर, एक कॉरपोरेट ग्रुप की गाड़ी है, लाइफ टैक्स दिया हुआ है, तो कौन सी बुरी बात है? 1,25,000 से हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, हर आदमी अच्छी तरीके से इन सब गाड़ियों को अफोर्ड कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, ले सकता है, और उसका मेंटेनेंस भी जीरो है। ये ठीक है, ये भी दूसरे की है, ये ब्रेजा है, आज इसको नया खरीदने जाओगे 13 लाख रुपये दाम है, तो ये अपने 13 लाख या 12 लाख रुपये दाम है, ये अपने को 6,40,000 में 2016 की ब्रेजा है, टॉप मॉडल है, ZTI डुअल टोन कलर है, पुश बटन स्टार्ट है, एयरबैग अलॉयज, ABS, टचस्क्रीन, DVD, तो आज अगर 6,50,000 रुपये में अगर मतलब 12 लाख रुपये का माल मिलता है, लोगों को 5.5 लाख रुपये बचता है, तो क्यों ना बचाए? ओरिजिनल पेंट है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, अरुण मंगानी की गाड़ी है, अच्छा। खुद अपने हाथ से चलाता था, यूज़ करता था, अभी उसने नई शेल्टॉस निकली वो ले ली, लोग चेंज करते रहते हैं, तो ये सब गाड़ियों में लोगों को 5-6 लाख रुपये बचता है, तो ये अच्छा बचत है, अच्छा बचत है, और गाड़ी कभी भी तकलीफ नहीं देगी, कितना 35-40 चली होगी गाड़ी, अच्छी है गाड़ी, तकलीफ नहीं देगी, अगले 10-15 साल आप अपना अच्छे तरीके से चलाओगे, तकलीफ नहीं देगी। ये स्कोडा, ये स्कोडा है, ये आपको नई गाड़ी आज के दिन में 30 मतलब जो है ये स्कोडा, ये थी नई गाड़ी 30-32 लाख रुपये की गाड़ी है, अच्छा आपको 3.5 लाख रुपये में गाड़ी मिलती है, 4x4 ओनली, 4 एकदम नई गाड़ी, ओरिजिनल पेंट, और मात्र 78,000 किलोमीटर चला हुआ, 4x4 इंजन, मतलब सॉरी 4x4 गेयरबॉक्स, पांचों टायर देखो नया है, मिनी एसयूवी नया का 30-32 लाख रुपये दाम है, 3.5 लाख रुपये में गाड़ी कहाँ मिलती है बस। और लोग तो आजकल मतलब स्कोडा यती के लिए तरसते हैं अच्छी स्कोडा यती के लिए लोग तरसते हैं, अंदर का इंटीरियर वगैरह भी देखो एज गुड एज ए ब्रांड न्यू, ये भी एक कॉर्पोरेट कंपनी की अच्छी गाड़ी है। अपने पास तो लोग गाड़ियाँ इसलिए मतलब देख के जाते हैं कि कभी ठीक है रीजनेबल दाम में बेच दीजिए,
اور ہٹائیے. اور کیا نا لوگ آج کل انجانے لوگوں کو بغیر جان پہچان کے گاڑی بیچنا نہیں چاہتے ہیں. بس کیا ہوتا ہے پیپر ورک کا کافی جمیلا رہتا ہے, کون گاڑی کیسے چلاتا ہے, کیا نہیں پکڑتا ہے, کچھ اگر 19-20 ہو جائے تو اس کے تکلیف ہو جاتی ہے. ایک بات اور انٹیریئر بھی دکھ رہی ہے کافی صاف ستھرا ہے, نیا بہت صحیح لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے. صوفہ کی طرح سیٹ ہے. تو ایک یہاں پہ i10 ہے, کون سا ہونے والی ہے؟ یہ کافی سستی ہے, 2013 کی گاڑی ہے, شاید 1,60,000-65,000 کی گاڑی ہے, 1,60,000 یا 1,65,000, اچھی گاڑی ہے. اچھا کپا 2 ہے, میگنا ہے. میگنا ہے, اچھا لوگ باغ اس کو لے سکتے ہیں. بیکاز کیا ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں بہت سستی مل رہی ہیں, لے لینا چاہیے. اور لوگوں کو گاڑیاں کا آج کل ضرورت بھی بہت ہے, گاڑیوں سے ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم, مطلب ہیلتھ ریلیٹڈ سویدھائیں بھی بہت ہیں. گاڑی لوگے, سستے دام میں لوگے, اس سے کیا ہوگا کہ صبح صبح اٹھ کے مارننگ واک بھی جا سکو گے. صبح صبح اٹھ کے اگر تم اولا اوبر بک کر کے اگر مارننگ واک تو نہیں جاؤ گے, گھر کے نیچے گاڑی ہے تو صبح اٹھے مارننگ واک کے لیے نکل گیا, مارننگ واک کر کے آئے, گاڑی لگا دیے, تو کم سے کم تمہارا ہیلتھ بھی اچھا رہے گا. یہ کاپا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپا ٹو انجن ہے یہ, یہ مطلب ہیونڈائی کا اچھا والا انجن ہے, اسپیشل پاور والا انجن ہے, گاڑی اچھی ہے. اب سب سے بڑی بات کیا نا, سستے میں گاڑی جو مل رہی ہے نا, تو لوگوں کو لے کے ایک گاڑی, بولا نا گھر کے نیچے گاڑی ایک بہت بڑا سہارا ہے. سہارا ایک پہلے بھی بولا تھا کہ جیسے بیٹے کو باپ کا سہارا ہے یا باپ کو بیٹے کا سہارا ہے, تو ایک گاڑی ایک سہارا ہے. سہارا یہ سارے یہ ماڈل اور کیا ہونے والا ہے؟ ماڈل اور پرائز, ماڈل 2013 کا ماڈل ہے, 1,60,000-65,000 کے آس پاس میں, 1,60,000 بہت کم دام میں ہے. سارے فیچرز ہیں, فیچرز کے لیے بار بار بولنا ضروری نہیں ہے. جتنی بھی گاڑیاں آج کل فیچرز میں, وہ مطلب ایئر کنڈیشن, پاور اسٹیئرنگ, پاور ونڈو, سینٹرل لاکنگ, سی ڈی پلیئر, سب کچھ بھی رہتا ہے, سب کچھ رہتا ہے. اور گاڑیاں سب کچھ بڑھیا سے بڑھیا ہے, سب رہتا ہے ہمارے پاس. سیبروڈیٹ کا, ہاں یہ اپنے کو 2010 کی گاڑی ہے, یہ اچھی گاڑی ہے, یہ موٹا موٹی 90,000 روپے میں گاڑی مل جائے گی. بیٹ, یہ بیٹ پیٹرول ہے, وہ بھی اے سی, پاور اسٹیئرنگ, پاور ونڈو, سینٹرل لاکنگ, سب ہے. سب کیا چاہیے؟ 90,000 روپے میں اگر ایک گاڑی ملتی ہے, میں نے کہا نا گاڑی گاڑی کلکتے میں سستی ہے, اس لیے سستی ہے بیکاز یہاں پہ کیا ہے کہ یوزرز لوگ اپنا یوز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسری گاڑی ایکسچینج کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ گاڑیاں کم چلنے کا کارن کیا ہے کہ پشچم بنگال ایک دم انڈیا کے میپ پہ کونے میں ہے, اس کے بعد میں یہ بنگلہ دیش ہے, آسام ہے, تو لوگ یہاں پہ کوئی بھی کام گاڑیوں سے نہیں پکڑتے ہیں. جو بھی کام ہوتا ہے ان کا دوسرا سسٹم ہے, ٹرین سے جاتے ہیں, پلین سے جاتے ہیں, بٹ گاڑیاں یہاں زیادہ چلتی نہیں ہیں, ان لائک جو نارتھ انڈیا میں, دلی, بامبے, بینگلور, حیدرآباد, وہ سب جگہ گاڑیاں بھینکر چلتی ہیں, کیونکہ کیا وہاں پہ چاروں طرف ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے پہلے جڑا ہوا ہے, کنیکٹیڈ ہے, تو اس لیے سارا کام گاڑیوں سے ہوتا ہے. اور یہاں پہ گاڑیاں ایک جیسے بولے سہارا, مارننگ واک کر لیے, پھر تھوڑا سا سب مارکیٹنگ کر لیے, پتنی شاپنگ کے لیے چلی گئی, ہسبینڈ صبح پہلے آفس چلا گیا, شام کو آفس سے آ گیا, تو یہاں گاڑیاں صرف شہر لمٹس کے بھیتر چلتی ہیں, باہر نہیں چلتی, تو اس لیے یہاں گاڑیاں بچی رہتی ہیں. کیوں سارا ہندوستان کلکتے کے اوپر گاڑیوں کے لیے پڑا ہوا ہے؟ سارا تم بہار لے لو, جھارکھنڈ لے لو, یو پی لے لو, تلنگانہ لے لو, مہاراشٹر بھی لے لو, کیرلا بھی لے لو, ادھر میں گجرات لے لو, راجستھان بھی لے لو, وہ کلکتے سے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں. ایک تو کم چلی ہوئی ملتی ہے, ایک کوالٹی ملتی ہے, بس یہاں کا جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایک ہے جو ان کو اپنے اسٹیٹ میں ٹرانسفر کرانے کے لیے چاہیے, وہ اگر سویدھا تھوڑی جلدی مل جائے, جیسے ان کو 2 دن میں مل جائے, آج کل نارملی مل بھی جاتی ہے, پہلے تھوڑا ٹائم لگتا تھا, آج کل 2 سے 3 مہینوں سے مل, تو باہر والے لوگ تو یہاں سے بھر بھر جھولی گاڑی لے کے جائیں گے. اب ایک سنی ہے, ایک 75-80 کا دام, 1,75, ہاں 2011 کی گاڑی ہے اور ڈیزل گاڑی ہے, ڈیزل گاڑی 1,75,000, 2012 کی گاڑی, فلی لوڈیڈ, ٹاپ ماڈل, اے سی, پاور اسٹیئرنگ, پاور ونڈو, سب. اب پھر بار بار بوچی دوہرانا صحیح نہیں, یہ لوگان ہے 2011 کی گاڑی, مہندرا کی لوگان ہے, ڈیزل ہے, ڈیزل ہے, یہ پتہ نہیں, مطلب جب بنگال والوں نے تھوڑا سا کم پسند کیا, بٹ آپ دلی جاؤ گے, بینگلور جاؤ گے, حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترو گے, لوگان ہی لوگان دکھے گی. اچھا ماتر 1,10,000 روپے, 1,10,000 ڈیزل گاڑی, 11 کی گاڑی, 11 کی گاڑی, بہت کم دام میں, اتنا کم دام ہے جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. 2010 کی اگر ڈیزل گاڑی اس دام میں ملے تو کیا ہے, بہت صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں یہاں پہ, یہ امیز, یہ 2013 کی امیز ہے, وی ایم ٹی ماڈل ہے, ٹاپ ماڈل ہے. تو اب 2013 کی گاڑی اگر میرے کو 2,00,000 روپے میں ملتی ہے, 2,00,000 ڈیزل گاڑی, 2,00,000 روپے میں, لوگ سوچتے ہیں, آشچر کرتے ہیں,
2 लाख रुपए मैं खुद सर्च कर रहा हूँ तो आप आश्चर्य करोगे बॉस, मैंने कहा ना 2.5 लाख 3 लाख कलकत्ता, नहीं 3 लाख के ऊपर ही है, ऊपर ऊपर होता है। ये 2 लाख रुपए में आपको अमेज मिल जाएगी, बहुत सस्ती गाड़ी, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत सस्ती गाड़ी है। ये अपने को फोर्ड फेस्टा डीजल है, फोर्ड ये अपने को 2010 की गाड़ी है, ये अपने को मात्र मिल जाएगी, कितने में मिलेगी, लाख रुपए में डीजल गाड़ी, तो सामने वाला 1 लाख रुपए में डीजल गाड़ी लेगा, उसको माइलेज इतना अच्छा मिलेगा। अरे अभी सुनो एक बात बताऊं, लोगों के अंदर पहले पता नहीं था कि इतनी सस्ती गाड़ियां मिलती है, अब लोगों को पता चलने लग गया तो क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है, लोग सब लेना चाहते हैं। आप समझते हो कि भी ठीक है, दूसरे यहाँ पे कलकत्ते के लोग तो खैर कलकत्ते बंगाल के लोग तो लेना चाहते ही चाहते हैं, बाहर के लोग भी मतलब जो है उन लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि मतलब हमारे स्टेट में तो इतना महंगा है और कलकत्ते में इतना सस्ता है। यहाँ पे कारण ये है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ सस्ता है सब जगह महंगा है, हमारे यहाँ एक सिस्टम ही दूसरा है। भाई राजीव ने गाड़ी दी, सुरेश ने गाड़ी खरीदी, भैया राजीव 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, सुरेश 1 लाख रुपया वो दे रहा है, तो राजीव तुम 95 ले ले, 96 ले ले, मुझे 2-3 हज़ार का दे दे बस। तो इसलिए गाड़ियाँ सस्ती हैं, बिल्कुल। यहाँ पे सस्ती का कारण एक ही है कि इन्वेंट्री को नहीं पालते हैं, अच्छा कोई भी इन्वेंट्री नहीं है। भैया राम मतलब जो है राजीव की गाड़ी रमेश को दे दी, खत्म काम, वो भी खुश। और उसके मतलब उसको अच्छा लगता है कि हमको डायरेक्ट बाहर से गाड़ी मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी गाड़ी मिल रही है, तो वो खुश होता है। सही है। अब यहाँ पे कुछ आज तो आप मेरे को ये फॉर्च्यूनर भी आप दिखा दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा डिमांड चल रहा था। फॉर्च्यूनर टाटा आर्या है, टाटा आरिया मिल गया, आरिया गाड़ी आज थोड़ा एसयूवी में भी मिलेगा, 2-3 गाड़ी आप लोगों को। ये 4x4 टाटा आरिया है, अच्छी गाड़ी है। ओके, ये अपने को मिल जाएगी, मतलब ये स्पेशल एडिशन गाड़ी है, अलॉय व्हील वाली है, मात्र 27,000 किलोमीटर चली हुई है, बहुत अच्छी गाड़ी है। ये अपने को 3.5 लाख रुपए में मिल जाएगी, सिर्फ साढ़े तीन लाख रुपए में टाटा आरिया गाड़ी, 27,000 किलोमीटर। और ये प्राइड मॉडल है, इसको 4x4 मॉडल है, 4x4 आज अगर 8-सीटर 9-सीटर लेदर अपहोल्स्ट्री वगैरह सब लेके अगर 3.5 लाख रुपए में मिलती है तो पानी के दाम में गाड़ी है, बिल्कुल सच में मतलब। और गाड़ी में एक चाल भी अच्छी है, मैकेनिकल भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी। ये देख लो, एक एक्सयूवी है, यहाँ पे एक्सयूवी 500 है, ये मिलिट्री के डॉक्टर है, डॉक्टर प्राण कुमार प्रेम लिखा हुआ है, डॉक्टर का मिलिट्री के डॉक्टर है, डॉक्टर प्राण कुमार प्रेम है, मिलिट्री कैंटीन से ली गाड़ी है। अच्छा, अब इसको वो शायद अब पोस्टिंग में भी दिल्ली में है ना कहाँ है, तो उनको गाड़ी अभी उनको कलकत्ते में, अच्छा ये कलकत्ते में गाड़ी खड़ी थी तो उनको बेचनी है, तो मोटा मोटी 8,90,000 रुपए में 2016 की गाड़ी मिल जाएगी, मिल जाएगी बिल्कुल। 50-52,000 W10 मॉडल लग रही है मेरे को, सनरूफ टॉप मॉडल है, आज के दिन इसका नया का 20-21 लाख रुपये दाम है इसका। गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, 8,90,000 में W10 मुझे नहीं लगता, मतलब सोचने भी नहीं लगता, सोचता भी नहीं है, लेकिन वही कहना, डॉक्टर साहब बोले मुझे भी इतना चाहिए, साहब ने कहा इतना चाहिए, भैया फटाफट दो, नक्की करो ना, जगह खाली करो, दूसरे को आने दो, एक जगह खाली करो, दूसरा गाड़ी आए, सीधा रास्ता खाली करो। 8,90,000 में W10 मट्टी का दाम है, 8,90,000 W10 2016 का, वो भी डॉक्टर का, मिलिट्री के डॉक्टर, अनबिलीवेबल प्राइस है सर, मिलिट्री के डॉक्टर है, डॉक्टर प्राण कुमार प्रेम उनका नाम है, बिल्कुल। अब आते हैं अगले लिवा, यहाँ पे ये नहीं है लिवा, बिल्कुल ये सेंट्रो दे सकता हूँ, ये सेंट्रो है, ये सेंट्रो है, 2009 की गाड़ी है, ये 2009 की गाड़ी मिल जाएगी 75,000 रुपये में, 75 को 70 में भी मिल जाएगी, 70 में भी मिल जाएगी आराम से, 2009 की सेंट्रो है, GL मॉडल है, GLS AC पावर स्टीयरिंग, फ्रंट टू पावर विंडो, अच्छी है। सस्ते का कारण बता दिया मैंने आपको, बता कि भैया फटाफट लो दो नक्की करो, इसको पेंडिंग मत रखो। अब जैसे ये फॉर्चुनर है, ये फॉर्चुनर ये भी यहाँ के एक देवाशीष बोग की गाड़ी है, अच्छा देखो पांचों ब्रांड न्यू टायर, ब्रांड न्यू, 95,000 किलोमीटर चली हुई है, अच्छी गाड़ी है, शायद 4x4 है, 4x4 है, और 2012 की गाड़ी है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ, सब 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 बंगाल का लाइफ टैक्स पेड गाड़ी है, मात्र 11.5 लाख रुपए में। ये देखो टायरों की कंडीशन देखो, गाड़ी की कंडीशन देखो, ये सब गाड़ियाँ और कहाँ और जो लेवल की लग रही है ना, काफी मस्त लग रही है, सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस बुक है। मैं आपको मैं सेलर
सेलर आपके सामने होगा जब आप गाड़ी खरीदिएगा, सेलर और बायर दोनों सामने मिलके गाड़ी खरीद सकते हैं, मेंटेन्ड गाड़ी मेंटेन्ड। तो ये मॉडल होने वाली थी 12 की लाइफ टैक्स पेड, लाइफ टाइम टैक्स पेड, बंगाल में लाइफ टैक्स पेड 90,000 किलोमीटर के आसपास चली है, पूरा सर्विस रिकॉर्ड है, कंपनी से सारा काम हुआ, ए टू जेड काम पूरा कंपनी से हुआ। एक और दूंगा सस्ती गाड़ी दिखा सकता हूँ, प्राइस ये क्या होने वाली, ये अपने को दे दूंगा मैं 11.5 लाख रुपए, 11.5 लाख, 11.50, 11.5 में फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर 12 की लाइफ टैक्स पेड, जिंदगी भर का टैक्स दिया हुआ है। यहाँ बंगाल में लाइफ टैक्स का मतलब है लाइफ टैक्स, लाइफ टैक्स। तो लैब 15 साल का भी होता है ना एक, यहाँ पे बंगाल में वो डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे लाइफ टैक्स मतलब लाइफ टैक्स, लाइफ टैक्स। ये गाड़ी है एंजॉय, एंजॉय शेवरलेट की एंजॉय है, 8 सीटर गाड़ी है। इस गाड़ी में थोड़ी तकनीकी खराबी है, अच्छा अच्छा, और इस गाड़ी में मतलब कोई बंदा अगर ठीक करा लेगा तो इस गाड़ी को बहुत कम दाम में जो सेलर है वो बेच देगा, मेरे हिसाब से वो 1,00,000 रुपए तक गाड़ी पर दे देगा, 1,00,000 रुपए। 8 सीटर गाड़ी है, 2013 की गाड़ी है, अच्छा एंजॉय गाड़ी है, तो बहुत कम दाम में सही है। बात है अपना, अब जिंदगी का आखिरी पड़ाव है बस, आखिरी पड़ाव के अंदर में जितना अभी मतलब जो है 2-4-6 महीना साल भर में जो कर ले खत्म काम, उसके बाद अपने को मतलब सीमन नारायण का नाम बोले, मतलब कि सब कुछ इतने सस्ती दे कैसे देते हैं। अरे भैया हमको रखना नहीं है, हम लेते नहीं हैं साहब, आपकी गाड़ी आप आके छोड़ जाते हैं, हम उनको दे देते हैं। अगर हम अपने देखो इसमें एक अलग अलग तरीके से काम होता है, हमको लेना ही नहीं है गाड़ी, भैया मतलब तुम्हारी गाड़ी है बिकवाना है तो बिकवा देंगे। तो जो भी मतलब अलग अलग तरह का सिस्टम है हमें, मैंने शुरू से कहा तो अगर आपके पास भी कोई गाड़ी हो तो आप आराम से आप पवन जी को दीजिए, क्यों वो भी मतलब यहाँ पे आपको जो बेचने वाले को बढ़िया से बढ़िया दाम मिलेगा, खरीदने वाले को भी रीजनेबल दाम मिलेगा, सही मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। और सबसे पहले अपने आप को मस्तिष्क को इस चीज़ को मतलब क्लियर करिए कि हमें गाड़ी खरीदनी है, और चूंकि गाड़ी अफोर्डेबल है इसलिए खरीदिए। अरे गाड़ी एक ज़रूरत है, मैं बार बार भी समझाऊँ, आज भी समझाऊँ, कल भी समझाऊँगा, और आप गाड़ी खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते, सारा हिंदुस्तान का एक एक जनता गाड़ी खरीद सकती है साहब। और मैं जैसे बताता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थोड़ा सा अपना एक तो मतलब जो है एक अपनी पहचान, एक गाड़ी, इस सब चीज़ से आदमी अच्छे कपड़े क्यों पहनता है, एक पहचान, एक गाड़ी क्यों रखता है, गाड़ी पहचान भी है, ज़रूरत भी है, नेसेसिटी भी है, गाड़ी हेल्थ रिलेटेड भी है, गाड़ी मतलब गाड़ी को तुम लग्जरी नहीं बोल सकते हो, गाड़ी लग्जरी नहीं है। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो लोग चढ़ते हैं लग्जरी हो सकती है, बट मैं कॉमन मैन हूँ और मैं कॉमन मैन के लिए भी कॉमन गाड़ियाँ भी रखता हूँ, और कॉमन गाड़ियाँ आती है जाती है और लेके चले जाते हैं, कॉमन मैन लेके चले जाते हैं, बिल्कुल सही है। और लोग और दूसरे स्टेट से भी लोग आए, अपना यहाँ से NOC निकलवा लें, गाड़ी लेके चले जाए, कोई झंझट नहीं है, सिंपल सा काम है, कोई झंझट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी मतलब असुविधा वाला बात नहीं है। अच्छा, अरे लोग खुश रहे ना भैया, एक गाड़ी अगर अपने पास खड़ी रहती तो वो खुशी अलग बात है यार, अलग होती है। एक गाड़ी को अपने बच्चों की तरफ प्यार करते हो वो भी अलग बात है, घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, बरंदे से नीचे खड़े होकर देखते हो हाँ मेरे घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, वो खुशी एक अलग बात है कि मेरी गाड़ी है और अभी अफोर्डेबल है, 1,00,000 रुपये में, 90,000 में, 1,25,00,000 में, 1,50,000 रुपये में, जिसकी जैसी इच्छा, वो सिर्फ ऋषि मोटर्स में है। बरीची मोटर्स इसलिए है क्योंकि बरीची मोटर्स का एक मतलब आज 40-45 साल का एक्सपर्टीज है। अब और जो भी है, अब जितने दिन है उतने दिन है, उसके बाद जय सियाराम, जय सियाराम, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद। चलिए एक बार फिर से थैंक यू पवन जी अच्छे से दिखाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।